हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी नीट का स्टेट का जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट निकलती है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कब आएगी, कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट, तो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट है उसका कब रिजल्ट आएगा, उसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यूपी DGME का जो है कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों इसका जो डिटेल है पूरा एक बार आपको बता देते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट का जो 19 जुलाई से शुरू हो गया है, और आपको देखना है updgme.in पे आपको देखना है ये सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है आपका। कैसे आपको देखना है ये आप देख सकते हैं स्टेप बाई स्टेप। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपको MBBS BDS मेरिट लिस्ट 2019 का लिंक दिखेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का वो लिंक होगा और उस पर आपने खोल लेना है, और कंट्रोल प्लस F दबा के आपने जो PDF, जब आप ये UPMBBS BDS मेरिट लिस्ट 2019 का लिंक खोलेंगे तो PDF आएगी, उसमें आपने कंट्रोल F दबा लेना है और अपना नाम आपने सर्च कर लेना है। इस तरह से आपका नाम आपके सामने आ जाएगा, और इसका जब दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो इसी वेबसाइट पे यहाँ आपको ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको PDF का लिंक आपके लिए डायरेक्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो कट ऑफ है, और आप ये देख सकते हैं 2018 की 2019 की। और अब काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको बता देते हैं सेकंड जो काउंसलिंग है उसकी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले DGME.in की वेबसाइट पर आपको आना है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें नीचे आपको जो है यहाँ आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी आप ये देख सकते हैं, जो इसकी ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि थी 15 जुलाई से थी, और मेरिट जारी करने की जो संभावित तिथि है वो 19 जुलाई है, आज 13 जुलाई है, 19 जुलाई तक इसका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है। और काउंसलिंग उसके बाद जब आप करेंगे तो काउंसलिंग 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी, और सीट जो अलॉटमेंट होगा उसका 2 अगस्त सीट अलॉटमेंट 2 अगस्त को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आपको जो है जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना है, और आपने एडमिशन लेना है वो 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आप कर सकते हैं। और अगर आपने ये आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट राउंड के लिए आपने काउंसलिंग अगर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है पंजीकरण किया है, तो आपको सेकंड राउंड के लिए आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं पहले राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन फीस आपने जमा नहीं की या जमा नहीं कर सके, तो आप जो है सेकंड राउंड में आप कर सकते हैं, सेकंड राउंड में आपको सीधा फीस आपको जमा करानी होगी और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो पहले राउंड में जो काउंसलिंग में जिन्होंने पंजीकरण नहीं करा पाए थे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, वो सेकंड राउंड में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आगे ये देख सकते हैं आप जो पहले राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने जो है एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सिक्योरिटी फीस भर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे आपको जमा करना होगा बैंक ड्राफ्ट, और काउंसलिंग में दोबारा से आप हिस्सा ले सकते हैं। और इसी तरह ये पूरा ये आप देख सकते हैं, इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।